अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेजोन अफिलियट की साइट्स या आपकी वर्डप्रेस की कोई भी साइट अगर वो हिट हो गई थी, उसको रिकवर करने के लिए या फिर आपने अगर नई साइट शुरू की है उसको बेहतर करने के लिए वर्डप्रेस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। पांच छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा आपको, मगर इंशाल्लाह अमेजिंग टिप्स होंगी, अच्छी क्वालिटी की टिप्स होंगी। आज दूसरी एपिसोड है। पहली एपिसोड में हम लोगों ने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी, आज हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है इंटरनल लिंक्स। कई लोगों को इंटरनल लिंक्स आते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि किन कीवर्ड्स पे इंटरनल लिंकिंग करनी है, और जिनको आते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि भाई ये कौन करे, मेरी वेबसाइट के ऊपर 100 पेज है और अगर 100 पेज को मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा तो मैं बाकी काम कैसे करूंगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी ऑटोमेशन जो आपके सारे काम आसान कर सकती है। आपने कहाँ पर जाना है? आपने जाना है जनाब प्लगइन्स पर, ठीक है। प्लगइन्स पर जाने के बाद एड न्यू पर जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है इंटरनल लिंक, ऐसे, ठीक है, इंटरनल लिंक ऐसे करके लिख देना आपने। और जैसे ही आपने लिखना है आपको एक ऑरेंज कलर का प्लगइन आएगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना। इंटरनल लिंक जूसर आपका एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, फॉर फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक हद तक, हमने उसी हद तक इस्तेमाल करना, हमने पेड अगर आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, मगर नहीं लेना। अब पोस्ट में आते हैं, देखें जैसे कि मैंने छोटी छोटी पोस्ट बनाई थी तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि मैंने पोस्ट बनाई थी हाउ टू ट्रेन योर डॉग, इसके ऊपर एडिट करते हैं। अब जैसे ही एडिट किया तो ये पोस्ट किसके बारे में है, ये पोस्ट है हाउ टू ट्रेन योर डॉग। तो आपका मैं आप सो इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं किन कीवर्ड्स के ऊपर इसको लिंक इस आर्टिकल को लिंक देना चाहता हूँ। मैं दे सकता हूँ कि जहाँ पर ये पूरा सेंटेंस बोला जाए हाउ टू ट्रेन योर डॉग, मैं देना चाहता हूँ जहाँ पर बोला जाए ट्रेन योर डॉग, और मैं देना चाहता हूँ जहाँ पर बोला जाए डॉग ट्रेनिंग, ठीक है। मैं क्या गया, मैं पोस्ट में गया, पोस्ट में जाने के बाद मैं नीचे आया यहाँ पर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में मैंने यहाँ पर वो कीवर्ड सारे पुट कर दिए जो मुझे लगता है कि इस आर्टिकल को लिंक दे सकते हैं। तो जब जब वो कीवर्ड आपकी पूरी वेबसाइट में कहीं भी इस्तेमाल होंगे आपको एक बैक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इंटरनल लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसकी आदत बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कदर जबरदस्त चीज़ है कि आप फिर इजीली जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब आप डॉग ट्रेनिंग गाइड फॉर एग्जांपल वर्ड है, आप इसके ऊपर कर सकते हैं, आप उसको कीवर्ड डॉग ट्रेनिंग गाइड, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। आप योर ट्रेनिंग सेल्फ ट्रेनिंग योर डॉग, सेल्फ ट्रेनिंग योर डॉग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मसलन कुछ लोग जो हैं वो डॉग ट्रेनर्स को बुलाते हैं ना, तो जहाँ पर सेल्फ ट्रेनिंग है, क्योंकि ये टिप्स ऐसी हैं जो बंदा आप खुद कर सकता है, राइट। तो मुझे लगा ये कीवर्ड भी अच्छा है। अब ये करने के बाद आपने अपडेट कर देना। अब आपने जैसे ही अपडेट किया और आपने अपनी बाकी पोस्ट अपडेट की तो क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे लिंक जहाँ पर आपने दिए हुए हैं वहाँ पर वो लिंक आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक डॉग ऑनर का बनाया था, जर्मन शेफर्ड का बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉग ऑनर पे जाते हैं आप तो डॉग ऑनर का मैंने कीवर्ड डाला था कि डॉग ऑनर होगा तो ये आ जाए। जर्मन शेफर्ड पे जाते हैं तो जर्मन शेफर्ड पे मैंने डाला था कि ट्रेन योर डॉग जहाँ पर हो वो, उसको लिंक मिल गया। डॉग फूड को जहाँ पर हो एक और पोस्ट को लिंक मिल गया, डॉग फूड पे चलते हैं, डॉग फूड पे गए जर्मन शेफर्ड को वापस लिंक मिल गया, ट्रेन योर डॉग को मिल गया। मतलब मैंने इनको कॉन्फ़िगर किया था जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर आसानी से अब आपको ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएंगे। तो जब भी आप अपने अपनी पोस्ट बनानी है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है तो आपने वन बाय वन पोस्ट पर जाना है, एक बार सोच के, जहन से सोच के ये बता देना है कि भाई मेरी मेरी पोस्ट इस बारे में है, तो इस टॉपिक पे जो जो कीवर्ड आपके जहन में आता है वो आपने सारे कीवर्ड अपने वहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है, दैट्स इट। और फिर ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड जहां जहां पर आएगा वहां पे आपको बैकलिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये दूसरी एपिसोड है, तो इसका वेट करते हैं। यूट्यूब पे मैं पूरी सीरीज प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, और बहुत जल्द ही आपको ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज या एक दिन के वक्फे से ये कंप्लीट कर दूं। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी जाकर देख सकते हैं, वहां पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे जो ग्रुप्स हैं जैसा कि लाइफ टाइम डील्स का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।
वो सिर्फ वो लोग करें जो लाइफ टाइम डील्स के फैन हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ लाइफ टाइम डील्स के बारे में बात होती है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता ये क्या है, तो फिर मेरा ख्याल आप फैन नहीं हैं, तो शायद आपके काम ना आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली।